ठीक है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो डी एन एच पॉइंट ग्रुप की बात करेंगे। इसमें इसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे ठीक है, वो कितने होंगे हमारे, 4n ऑपरेशन होंगे ठीक है। कितने होंगे, 4n। अभी तक जो पढ़ रहे थे उनमें 2n थे, सी एन वाले में, सी एन एच, सी एन वी और सी एन एच में, उनमें सब में। इसमें जो डी एन एच है इसमें 4n, डी आ गया तो 4n, चार गुना ऑपरेशन होंगे डी एन एच में ठीक है। तो देखो इसमें 4n, तो क्या क्या ऑपरेशन होंगे इसमें। सबसे पहले तो एक सी एन होगा, उस सी एन के परपेंडिकुलर एन सी टू होंगी, प्लस उनके इस सी एन के परपेंडिकुलर एक सी एच होगा, इसको एच को ऐसे सिग्मा एच होगा, प्लस एन सिग्मा वी होंगे, प्लस क्या होगा और क्या होगा मेरा, ई होगा। अगर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होते हैं तो कंप्लीट करेंगे हम नंबर ऑफ ऑपरेशन बाय, किससे करेंगे हम कंप्लीट, एस एस से ठीक है। कैसे करेंगे, वही रूल है। रूल क्या है, रूल वही कहेगा कि अगर मेरा एन की वैल्यू, सॉरी डी एन एच में अगर मेरी एन की वैल्यू इवन है और एन की वैल्यू ओड है, एन की वैल्यू इवन है ओड है, एन की वैल्यू इवन है तो वही एस एन ऐड होगा, एस एन वाई टू ऐड होगा, एस एन वाई फोर ऐड होगा एंड सो ऑन। एन की वैल्यू ओड है तो सिर्फ एस एन ऐड हो जाएगा, काम खत्म ठीक है। आगे बात समझ में, देख लेते हैं क्या डी टू एच का। अरे देख लो, डी टू एच में सी टू प्लस टू परपेंडिकुलर सी टू प्लस टू परपेंडिकुलर सी टू, क्योंकि एन सी टू प्लस क्या चाहिए, एक सिग्मा एच होगा, क्या टू सिग्मा वी होंगे प्लस ई होगा। क्या नंबर ऑफ ऑपरेशन पूरे हो रहे हैं क्या, देख लेना, फोर इंटू टू ऑपरेशन होने चाहिए, इसमें आठ ऑपरेशन होने चाहिए। क्या इसमें हो रहे हैं, दो में से गया एक, प्लस सी टू का एक, सी टू का एक ऑपरेशन, क्योंकि सी टू में जो ऑपरेशन होंगे एन माइनस वन यानी टू माइनस वन, एक ऑपरेशन होगा तो दो सी टू का टू इंटू वन, समझाने के लिए, प्लस सिग्मा एच का एक ऑपरेशन, दो सिग्मा वी के दो ऑपरेशन, प्लस ई का एक ऑपरेशन ठीक है। तो यहां से एक प्लस दो प्लस एक प्लस दो प्लस एक कितना हो गया, दो और एक तीन और एक चार, दो छह और एक सात ऑपरेशन। अरे यार ये तो सेवन ही नहीं हुए, मुझे जो चाहिए थे कितने, आठ, तो कम रह गया कहीं ना कहीं। तो जो कम रहा है वो मेरा किससे कंप्लीट होगा, एन, देखो एन क्या है मेरा, इवन है, एस एन ऐड कर दो, एस टू ऐड कर दो, S2 ऐड हुआ तो इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने ऐड होंगे, 1, क्योंकि n इवन है, इवन में n y 2 ऑपरेशन, इसमें कितने हो जाते हैं, n y 2 ऑपरेशन हो जाते हैं इवन में, इसमें n माइनस 1 ऑपरेशन हो जाते हैं ठीक है, अगर n इवन है तो। आगे बात समझ में, तो यहां से 1 ऑपरेशन, यहां से 1 ऑपरेशन, यहां 8 ऑपरेशन हो गए पूरे ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बात होगी समझ में, D2H आगे और देख लेते हैं। D6H का एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल भी होता है वेंजीन। इसमें C6 होती है परपेंडिकुलर C6 प्लस 6 परपेंडिकुलर C2 होंगे, प्लस सिग्मा H होगा, प्लस 6 सिग्मा V होंगे, प्लस E होगा। क्या नंबर ऑफ ऑपरेशन पूरे हो रहे हैं क्या, 6 × 4 24 ऑपरेशन होने चाहिए। आओ इसके देखते हैं, C6 से 5 आए, प्लस 6 × 1 यहाँ से 6 आए, प्लस यहाँ से 1 आया, प्लस यहाँ से 6 × 1 आए, प्लस यहाँ से 1 आया। आओ देखते हैं कितने हो गए, 5 + 6 + 1 + 6 + 1 तो 6 × 6 = 12 × 6 = 18 = 19 19 ही ऑपरेशन हुए भाई, 24 चाहिए। आओ कंप्लीट, कैसे कंप्लीट होंगे देखते हैं। प्लस एन इवन है तो सबसे पहले तो S6 ही ऐड होगा, और S6 के नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ जाएंगे, 6y2 ऑपरेशन आ जाएंगे, यानी कितने आ जाएंगे, 3 ऑपरेशन आ जाएंगे, यानी 19 + 3 कितना हो जाएगा, 22 या 24 चाहिए थे, ये तो अब भी कम रह गए। तो आओ आगे चलते हैं ठीक है।
इसमें एस एन वाई टू ऐड करेंगे यानी एस सिक्स वाई टू ऐड करेंगे, एस सिक्स वाई टू कितना हो जाएगा जो मेरा एस थ्री के इक्वल हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, थ्री माइनस वन हो जाएंगे, थ्री माइनस वन का मतलब टू हो जाएगा, और इस यहाँ टू ऐड हो जाएगा, यहाँ 22 में टू ऐड हो जाएगा और यहाँ 24 बन जाएगा। ये अलग अलग कलर से क्यों बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसके कितने ऑपरेशन ऐड हो रहे हैं, कैसे ये 24 बन रहा है वो सिखाया। ये सब क्या मेरे बेंजीन में है प्रेजेंट, आओ देख लेते हैं। अगर किसी को 3D देखने का मन हो तो वो 3D देख सकता है कैम ट्यूब पर जाकर। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं, आजा भाई कलर खुल जाओ। यहां परपेंडिकुलर C6 मौजूद है, ठीक है, ध्यान रखना जो मॉलिक्यूल के सेंटर, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है बेंजीन का, जो बेंजीन के इसमें पड़ा हुआ है, किसमें, बोर्ड के प्लेन में। अब ये परपेंडिकुलर C2 यहां C6 है, ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। क्या इसमें 6 C2 है, बिल्कुल 6 C2 है, देखो याद रखना, एक C2 सॉरी ठीक है, इससे पास होते हुए दूसरी C2 में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, और तीसरी C2 यहाँ से पास हो रही है, इन दोनों कॉर्नर से ये सब सेम जगह से पास होंगे। रुक जाओ इसको मैं थोड़ा सही सही बना देता हूँ, ये देखो एक C6 यहाँ से, इसको यहाँ से क्या पास हो रही होगी, बिल्कुल सेंटर से जो पास हो रही होगी वो हो रही होगी C6, ठीक है। अब आ जाओ C2 देखते हैं, ठीक है, तो देखो C2 कहाँ कहाँ से पास हो रही होगी, ए इन दोनों से पास होने वाली C2 होगी, एक C2 इन दोनों से पास हो रही होगी, एक C2 इन दोनों से पास हो रही होगी, ठीक है, अपोजिट अपोजिट C से, तो ये तीन C2 मिल गई हमें। और C2 देखते हैं, एक C2 ऐसी भी तो होगी, एक C2 ऐसी भी तो होगी, एक C2 ऐसी भी होगी। तो अब आप एक चीज़ देखो कि ये सारी जो मेरे परपेंडिकुलर यहाँ से जाने वाली C6 थी, क्या थी, C6 थी, उसके परपेंडिकुलर है, तो C6 के 6 परपेंडिकुलर C2 है। क्या सिग्मा एच है क्या इसमें, बिल्कुल सिग्मा एच है, डेफिनेटली सिग्मा एच है, इस मॉलिक्यूल को कंटेन करने वाला पूरा प्लेन जो है उसको हम सिग्मा एच बोलेंगे। क्या इसमें 6σv है क्या, बिल्कुल 6σv है, हर 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 एक्सिस को, हर C2 को कंटेन करने वाला एक प्लेन σv भी है, हर एक्सिस को कंटेन करने वाला, हर C2 से पास होने वाला, देखो इससे एक प्लेन पास हो जाएगा तो वो C2 σv बन जाएगा, σv, मतलब ये 6 ही है भाई, समझ रहे हो, ठीक है, ये 3 और 3 6 6σv है। क्या इसमें ई है, बिल्कुल डेफिनेटली ई तो सब में होता है, ई तो देखने की जरूरत है। क्या S6 है, डेफिनेटली S6 है, S6 क्या C6 है और उसके परपेंडिकुलर एक सिग्मा प्लेन है, तो S6 तो है ही है, ठीक है। क्या S3 है, डेफिनेटली S6 है, तो S3 भी कंटेन ही कर ही रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल कर रहा होगा, ठीक है। देखो अब आप बोलोगे सर इसमें तो इन्वर्जन सेंटर भी है, सर इसमें इन्वर्जन सेंटर भी है, वो इसमें क्यों नहीं दिख रहा, मैंने कहा भैया दिख रहा है S6 में, और खुद ही इन्वर्जन सेंटर होता है, क्योंकि आपको याद होगा S6 के नंबर ऑफ ऑपरेशन, S6 में S61, S62, S63, मेरे सामने जब मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ाता हूँ ना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता मेरे सामने कि सर बेंजीन का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सर इसमें तो इन्वर्जन सेंटर है और इसमें तो इन्वर्जन सेंटर दिख ही नहीं रहा, मैंने कहा पहले बता देता हूँ कि S6 में खुद आई कंटेन करता है, कैसे आई कंटेन करता है, S63, तो S61 ये बन गया, S62 बन जाएगा, देखो C61 इंटू सिग्मा, ये C62 इंटू सिग्मा, C63 इंटू सिग्मा, S64, C64 इंटू सिग्मा, S65 इक्वल्स टू C65 इंटू सिग्मा, S66 इज इक्वल्स टू
देखो ये Sc6 इंटू सिग्मा, देखो आपको एक दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें तो E भी बन जाता है, Sc6E बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। मैंने क्या भैया मान लिया E बन गया, तो पर मैंने इसका E वाला ऑपरेशन यहाँ काउंट नहीं करा होगा, तभी तो N बाई टू में थ्री ऑपरेशन आए, ये मैंने सिखाया है जब आपको वो कराया मैंने, ठीक है। अब देखो ये C6 बन गया, ये C6 2 बन गया, ये C3 1 इंटू सिग्मा बन गया, ये C2 1 इंटू सिग्मा, तो C2 के बाद सिग्मा लगा दो तो ये बेसिकली हमारा क्या बन जाता है S2, और S2 क्या हो जाता है I। मैंने इसका ऑपरेशन यहाँ काउंट कर लिया था, देखो ये और ये सेम चीज, एक ऑपरेशन इसका काउंट किया था, ये और ये सेम चीज, दूसरा ऑपरेशन मैंने इसका काउंट किया था, S61 और S65 एक ही चीज होती है, तीसरा ऑपरेशन इस आई का काउंट किया था, इस वाले का तीसरा ऑपरेशन, और ई वाले का ऑपरेशन मैंने काउंट नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ ऑपरेशन 3 लिए थे, ई का ऑपरेशन वहां काउंट नहीं किया था इसलिए यहाँ ई दिया, आई वाला मैंने काउंट कर लिया था वहां इसलिए आई वाला मैंने एक्स्ट्रा में नहीं लिखा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपके दिमाग में हमेशा ग्रुप थ्योरी पढ़ते हुए आएंगे जब भी मैं बेंजीन का एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। आप खुद देखना इसको एनालिसिस करके क्या है, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा पूछ लेना कि क्या सर ऐसा क्यों हुआ। देखो क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने यहां रुक जाओ इसको मैं मेरे को लगता है मुझे अगली स्लाइड में बता देना चाहिए आपको, ठीक है। देखो S61 S62 S63 S64 S65 S66 इसके मैंने नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने काउंट करे 3। देखो एक ऑपरेशन मैंने इसका काउंट कर लिया क्योंकि ये डिफरेंट है, ठीक है। S62 बन जाएगा S31 बेसिकली, ठीक है, और ये बन जाता है मेरा S21 यानी बेसिकली ये जो हो जाता है मेरा I होता है, ठीक है, और ये जो होता है मेरा S64 और ये S ये 2 1 2 2 3 2 2 तो S32 बन जाएगा, ये और ये मेरी सेम चीज है, इनका एक ऑपरेशन मैंने काउंट कर लिया। S65 में देखो S65 मेरा वही है, देखो मैंने एक बताया था when n is equals to even SN1, देखो SN1 और SNN-1 वो था सेम चीज, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज है और ये दोनों सेम चीज है, एक ऑपरेशन इनका और ये तो मेरा E बन जाएगा SNNE, ये मैंने ऑपरेशन काउंट नहीं करा था, इसका ऑपरेशन काउंट कर लिया था। देखो SN जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसा भी आता है कि भैया मुझे ये बताओ S6 में कितने डिस्टिंक्ट सिमेट्री एलिमेंट है या कितने डिस्टिंक्ट सिमेट्री एलिमेंट है, तो देखो इसमें ये कितने डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन है, तो जो डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं ना इसमें डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन वो होते हैं 4, क्योंकि फिर तो S6 के पूछा ना, चौथा तो मेरे पास E है, लेकिन पॉइंट ग्रुप में मैं इसके कितने काउंट करता हूं S6 के NY2, क्योंकि मैं E अलग से लेकर चलता हूं, ये बात याद रखना, हर एक में E होता है, हर पॉइंट ग्रुप एक E को कंटेन करता है, पर E को मैंने अलग से ही मान लिया कि सब में कॉमन E ना जाए, इसलिए मैं किसी में भी E का नंबर ऑफ ऑपरेशन कंसिडर नहीं करता हूं। इसी तरीके से मैंने S6 में E का कंसिडर नहीं करा था पर I वाला करा था, इसलिए मैंने वहां I दोबारा से नहीं लिखा, ये चीज आपने समझ माना चाहिए। तो S6 का आपको समझ में आ गया, n इवन होने पर SN1 is equals to SNN-1 एक ही चीज होता है, इसलिए इनका एक ही ऑपरेशन लिया जाता है, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं, जो मेरा अगला पॉइंट ग्रुप है 8वां, दैट इज DND, ये डाइहेड्रल प्लेन वाली बात है, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होंगे दैट इज 4n होंगे, तो ठीक है। और ये 4n में क्या क्या होगा वो देखते हैं, सबसे पहले cn होगा प्लस n c2 होंगी प्लस
देखो एन सी टू होंगी, सी एन होगा, एन सी टू होंगी और एन सिग्मा डी होंगे, सिग्मा भी नहीं होंगे, एन सिग्मा डी यानी डाइहेड्रल प्लेन होंगे, वो भी एन प्लस ई होगा। और इसके बाद अगर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्या होते हैं, चाहे एन इवन हो या ओड हो, कंप्लीट द ऑपरेशन बाय S2N से ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं आगे के भैया, S2N से, हाँ कुछ भी हो S2N से कंप्लीट होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं D2D पॉइंट ग्रुप है या किसी चीज का, या D3D है, दो लेकर चलता हूं, इवन वाला भी ओड वाला भी, ठीक है। तो D2D में क्या होना चाहिए, C2 प्लस 2 परपेंडिकुलर C2 प्लस 2 सिग्मा डाई प्लस E। देखो क्या ऑपरेशन कंप्लीट हो गए, इसमें 8 ऑपरेशन होने चाहिए थे, क्या 8 हो रहे हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लो यार। देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 2 4 5 6 कितने हुए, 6 कंप्लीट नहीं हुए। तो S2N लूंगा, यहां N की वैल्यू कितनी है, 2 है इस केस में, तो S4 लूंगा इसमें, क्या लूंगा मैं, S4 लूंगा। तो S4 के नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 2, और यहां से इसके 2 ऑपरेशन ऐड हो जाएंगे तो ये 8 हो जाएंगे पूरा। तो इसमें एक S4 होगा, D2D वाले ग्रुप में एक S4 पक्का होगा, ठीक है। इसी तरीके से D3D लें, C3 प्लस 3C2 प्लस 3 सिग्मा डी प्लस ई, क्या ऑपरेशन कंप्लीट हो रहे हैं, क्या इसमें कितने होने चाहिए, 4 3 जा 12 ऑपरेशन होने चाहिए, ठीक है, क्या 12 हो रहे हैं क्या, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, 3 6 3 9, 9 ही ऑपरेशन हो रहे हैं, पर मुझे कितने चाहिए 12, तो इसमें कितने हो रहे हैं अभी तक, ये सिर्फ 9 हो रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा मेरा, S2N यानी N की वैल्यू 3 है, तो यहाँ S6 ऐड हो जाएगा, तो 6 के कितने ऑपरेशन हो जाएंगे, 3, यानी ओवरऑल 12, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए ये बात। देखो D3D बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप होता है, D3D बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप होता है इसका, क्योंकि ये जो मेरा स्टैगर्ड इथेन का पॉइंट ग्रुप होता है, इनके एग्जांपल बता दूं, अगर इसके एग्जांपल DND मैंने शायद दी उसके बताए नहीं है, एक बेंजीन बताया बस उसका एग्जांपल मैंने, सिर्फ एक बेंजीन बताया था ना, चलो कोई नहीं, उसके इसके बता देता हूँ। तो DND के एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो सबसे पहले मेरे एलीन सिस्टम होते हैं, एलीन सिस्टम देखो कैसे, C डबल बॉन्ड CH, H काला होगा नहीं मेरा, ठीक है। देखो ये जो होते हैं ये एलीन सिस्टम इनको बोलते हैं, इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा इसका एलीन का, इसका होगा D2D पॉइंट ग्रुप, D2D पॉइंट ग्रुप। देखो इसको समझने से पहले ना, इस तरह से समझो, देखो ये एलीन कुछ ऐसे होते हैं कि मान लिया ये एक एच यहां है, अरे सॉरी ये एच यहां है, ठीक है, और दूसरा जो ये वाला एच है वो मेरा यहां है, ठीक है। तो ये वाला एच जो है एक यहां है और एक ये वाला एच यहां है, ठीक है, इस चीज को समझो। और ये इस तरीके से होते हैं, C डबल बॉन्ड C और इस तरीके से, आप समझ रहे हो, मतलब ये क्यूब के अपोजिट साइड समझ लो कि ये दोनों HH इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। क्या क्या होना चाहिए, इसका D2D है तो मैंने बताया इसमें एक C2 होनी चाहिए, एक क्या होना चाहिए 2C2 होनी चाहिए उसके परपेंडिकुलर, प्लस 2 सिग्मा D होनी चाहिए, प्लस और क्या आगे आया था इसमें ई होना चाहिए, और क्या क्या आया था इसमें एक S4 होनी चाहिए। क्या ये सब इसमें प्रेजेंट है, डेफिनेटली प्रेजेंट है। देखो कैसे, मैं इसको सिखाता हूं, 1 नंबरिंग करो इसकी, 2 3 ये ऐसे कर 4, चलो कैसे कर लो, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या इसमें C2 प्रेजेंट है, क्या डेफिनेटली C2 प्रेजेंट है, कहां से प्रेजेंट है C2, अरे भैया इससे मॉलिक्यूल से, देखो
यहां से पास कर लो, ये C2 प्रेजेंट है इसमें। कैसे? अगर मैंने इस पे यहां से C2 लगाई तो H1 H2 की पोजीशन ले लेगा और H3 H4 की पोजीशन ले लेगा, H4 H3 की, तो मॉलिक्यूल तो सेम ही रहेगा। हाँ, C2 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। क्या इसमें दो और C2 प्रेजेंट है इसके परपेंडिकुलर? डेफिनेटली परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है। ऐसे देख लो, एक यहां से पास होती, सॉरी S3, एक यहां से पास होती हुई C2 और एक इसके सामने से जाती हुई C2। यहां से ये सामने वाला फेस है ना, और पीछे वाला फेस है, ये वाला फेस और ये आगे वाला फेस, यहां से पास होती हुई C2। ये C2 इस C2 के परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये C2 भी होगी। क्या दो C2 भी प्रेजेंट है इसमें? क्या दो सिग्मा डी प्रेजेंट है? डेफिनेटली दो सिग्मा डी प्रेजेंट है भाई। कैसे दो सिग्मा डी प्रेजेंट है? अरे आ जाओ देखो, ये क्यूब का डायगोनल, ये यहां से मिलाओ और यहां से मिलाओ, और इस प्लेन को देखो, ये H1 H3 को इक्वली डिवाइड कर रहा है और H2 H4 को कंटेन कर रहा है। तो एक तो सिग्मा डी मेरा ये वाला हो गया। क्या और सिग्मा डी है क्या इसमें? बिल्कुल है। कैसे? देखो ये एक प्लेन जो H1 H3 को कंटेन कर रहा होगा, और नीचे वाला ये जो क्यूब के जो दो बॉडी डायगोनल हैं, ये जो दो प्लेन होंगे, ये दोनों मेरे कौन से प्लेन होंगे? सिग्मा डी प्लेन होंगे, ठीक है। कैम क्यूब 3D पे मैं यहां दिखाना नहीं चाहता, टाइम लगेगा, आप जाके खोल के देख लेना एलियन का, बिल्कुल ये आएगा, ठीक है। आ जाओ, क्या इसमें, क्या इसमें E प्रेजेंट है? E तो सब में प्रेजेंट होती है। क्या इसमें S4 प्रेजेंट है क्या? आओ S4 दिखाने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लेता हूं, S4 के लिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेता हूं। S4 के लिए क्या चाहिए मुझे? क्यूब चाहिए, ठीक है। S4 दिखाने पड़ेगी ना मेरे को, S4 चाहिए आपको, ठीक है। तो एक एच यहां माना था, एक एच यहां, एक एच सॉरी एक एच यहां, एक एच यहां, नंबरिंग दे दो, वन टू थ्री फोर, ठीक है। देखो सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी एक यहां जा रहा है और ये यहां रहा है। देखो आ जाओ, देखो सबसे पहले S4 में क्या होना चाहिए? C4 होनी चाहिए। चलो C4 लगा लेते हैं, कहां से? ऊपर से C4 लगा लूं क्या? नहीं, ऊपर से नहीं, सामने से C4 लगा लो, कहीं से लगाओ, कोई से लगा लो, इधर से C4 लगा लो, ठीक है। अगर मैं इसमें C4 लगाऊं, कहीं से भी मैं C4 लगाऊं, ऊपर से लगा लेता हूं जो आसान रहेगा आपको, C4 लगा ली ऊपर से, तो देखो ये क्या होगा, C4 लगाने से H3 इस जगह आ जाएगा। एक और क्यूब लेता हूं, देखो H3 जो आएगा वो इस जगह आ जाएगा, H2 इस जगह आ जाएगा, H4 इस जगह आ जाएगा और H1 इस जगह आ जाएगा। C4 S3 इस जगह, ठीक है, ओके। मॉलिक्यूल घूम रहा है, S3 यहां, H4 यहां आएगा, H1 यहां आएगा और H2 वहां जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रीअरेंज हो जाएंगे, आगे बात समझ में। अब देखो आगे बढ़ो, ये बीच वाले C डबल बॉन्ड C ऐसे ही चल रहे हैं। अब देखो इसके परपेंडिकुलर क्या लगाना है मुझे? प्लेन लगाना है, ये कोई प्लेन लग गया परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, H3 को एक और क्यूब लाओ, ठीक है। देखो H3 को कहां कर देगा? यहां कर देगा, परपेंडिकुलर प्लेन है ना, इससे रिफ्लेक्शन, H1 को रिफ्लेक्शन पहुंचा के कहां कर देगा? यहां कर देगा, और H4 को रिफ्लेक्शन पहुंचा के ऊपर कर देगा, और इसको H2 को रिफ्लेक्शन पहुंचा के नीचे ले जाएगा। क्या सबसे पहले जहां यहां से शुरू कर रहे थे वहीं तो पहुंच गए, जहां से शुरू करा था वहीं तो पहुंच गए, सेम मॉलिक्यूल है, देन डेफिनेटली इसमें एक S4 प्रेजेंट है। S4 का रिप्रेजेंटेशन अगर एल्केन में भी समझना हो, मतलब मीथेन में, CH4 में भी S4 होती है, अगर समझना हो तो ये तरीका बहुत अच्छा है क्यूब को लेकर चलना, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसका D2D पॉइंट ग्रुप होता है, ठीक है, समझिए। आओ देखो अब आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं। देखो अभी तक जो पॉइंट ग्रुप पढ़ा दिए ना, उनमें चेंज दिखाता हूं मैं तुम्हें। देखो अगर मैंने माना एक एच यहां था, एक एच यहां था, एक एच यहां था, एक एच यहां था, एक
इसको वन मान लिया, इसको टू मान लिया, इसको थ्री मान लिया, इसको फोर मान लिया। देखो सबसे पहले क्या करो, इसका सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये रहा इसका पॉइंट ग्रुप क्या है मेरा, डी सॉरी डी टू डी पॉइंट ग्रुप है। ओके वेल गुड। अगर मैं किसी इस एच को, इसी एच को रिप्लेस कर दूं किसी थर्ड एटम से, सी एल से, ठीक है, जब मेरे पास 4H है, अगर मैं इसको Cl से रिप्लेस कर दूं तो आपको पता क्या चलेगा, इसमें सिर्फ एक प्लेन है जो इस Cl को और इस H को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ग्रुप था, जब मैंने बताया भी था एलीन में, ये बताया था ना कि C, Cl, H, जब यहाँ इसको ऐसे पीछे ब्रोकन लाइन से कर दो, ब्रोकन लाइन से सॉरी Cl, H, H, ये इसका पॉइंट ग्रुप क्या बताया था मैंने, सी एस प्लेन वाला, क्या बताया था, सी एस। तो यहां अगर किसी को भी रिप्लेस कर दिया तो ये पॉइंट ग्रुप क्या बन जाएगा, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, सी एस पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। अब सोचो अगर मैंने इसको भी सी एल से रिप्लेस कर दिया तो अब इसका पॉइंट ग्रुप बताना, अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा। देखो अब ये किस तरह से काम करेगा, इस तरह से देखो, यहां पर भी सी एल आ गया तो अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, अब देखोगे तो आप इसका पॉइंट ग्रुप आएगा C2V, क्योंकि अब इसमें प्लेन भी है, C2V है, क्योंकि ऐसे डालेंगे हम C2, देखो यहां से इसके सेंटर से पास करेंगे, दैट इज C2, जो इधर वाला फेस है, सबसे इधर वाला सॉरी, मतलब यहां से निकल रही होगी ये C2, ठीक है, यहां से पास होती हुई C2, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन भी है, ये 2 सिग्मा भी, C2 प्लस 2 सिग्मा V भी हो जाएंगे, जो इस Cl Cl को कंटेन कर रहा होगा, एक HH को काट रहा होगा, देखो एक H दोनों H को कंटेन करता होगा इन Cl के हाफ से, और एक दोनों Cl को कंटेन करता होगा इस H को अलग अलग डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, 2 सिग्मा V प्लस E तो है, ठीक है। अगर मैं तीन को रिप्लेस कर दूं, अगर मैं तीन को रिप्लेस कर दूं, Cl यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां H, तो भाई ये तो वैसे ही हो गया कि एक दो H को, एक H को रिप्लेस कर दो या तीन Cl को रिप्लेस कर दो तो इसका पॉइंट ग्रुप CS, चारों को रिप्लेस कर दूंगा तो सेम चीज। इस तरीके से पॉइंट ग्रुप चेंज होते रहते हैं सिमेट्री चेंज होने पर, ठीक है। नाउ एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है स्टैगर्ड इथेन का, स्टैगर्ड इथेन का एक एग्जांपल होता है, उसमें क्या होता है देखो कि इस तरीके से समझो, सेंटर में सी, सेंटर में सी, ये सी से सी जुड़ा हुआ होता है, एक एच यहाँ, 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 इस तरीके से जो इथेन होता है जनरली स्टैगर्ड इथेन बोलते हैं इसको, समझ रहे हो, इस कैसा इथेन है, सी एच एच एच, ठीक है, सी एच एच, दिस इथेन इज नोन एज स्टैगर्ड इथेन। जो इसका पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है मेरा क्या, D3D, D3D के एलिमेंट क्या है, C3 प्लस 3C2 प्लस 3 सिग्मा D प्लस E प्लस S6 प्लस S3, ये सब कुछ मौजूद है इसके अंदर स्टैगर्ड इथेन के। ये ध्यान रख लो, ये जो इसका समझाने के लिए दो ट्राइंगल मान के चल लो, ठीक है, इनको नंबरिंग दे दो 1, 2, 3, 1, 2, 3, और नीचे वाले को नंबरिंग दे दो 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये हाइड्रोजन है, सेंटर में सी सी है, इस तरीके से दो ट्राइंगल एक दूसरे के नीचे है। अब इनको रिप्लेस कर करके देखना, इसको अगर और अच्छे से समझना ना, देखो मैं समझाता हूँ इसको, इसको समझना है तो इसमें इसमें खोल लो ना इसका, इसमें बहुत अच्छे से समझा आ जाएगा, ये कैम ट्यूब 3D स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में जाना है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में जाना है। सर यार क्या हो रहा है भाई, ऐसे मत करो यार, सीखना है हमें, कैसे सीखेंगे हम ऐसे, फिर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, सिमेट्री, ये वाला पॉइंट ग्रुप खुलो जरा, स्टैगर्ड इथेन, ये रहा देखो D3D में बहुत अच्छा एग्जांपल होता है स्टैगर्ड इथेन का, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो D3D में मैं बताया ना, ये ट्रायंगल की तरह काम करता है, देखो इसको घूमता, देखो ये इसके अपोजिट में,
ये दोनों इसके अपोजिट में, ये दोनों इसके अपोजिट में, ठीक है। देखो यहां देखो, इधर देखो, इधर आ जाओ, देखो ये सब देखो, ये सी थ्री है। सी थ्री किस तरीके से काम करेगा, इस छोटा हो जाए भाई, आ जाओ। देखो भाई डी थ्री डी का जो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वो होता है स्टैगर डी थ्री, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको जो डी वाला है ना उसके डायगोनल वो डायहेड्रल प्लेन निकालने भी आ जाएंगे, और उसमें कैसे एस सिक्स या जो अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री आती है वो भी निकालनी आ जाएगी। देखो इसको देखते रहो, घूम रहा है, ये स्टैगर्ड इथेन है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से कि ये तीन हाइड्रोजन इधर की तरफ ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल होता है, आपको समझ में आना चाहिए, और ये भी इधर की तरफ, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे दो पैरामीटर को एक साथ जोड़ दिया हो, ठीक है, ये NH3 का बेस, ये NH3 का बेस, दोनों को जोड़ दिया हो, पर ये ऐसा नहीं है, ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो देखो इसको समझो आप, ये कुछ इस तरीके से होगा ना कि एक ये H H H है, ठीक है, और यहां पर C है थोड़ा उठा हुआ, थोड़ा उठा हुआ, और ऊपर वाले में H H H है, और यहां जो C है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, और इससे C से C कनेक्ट है, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड इथेन, ठीक है। देखो इसमें एक C3 एक्सिस होती है जो डी थ्री डी पॉइंट ग्रुप है ना इसका, तो इसमें क्या होगा, सी थ्री प्लस थ्री सिग्मा डी प्लस थ्री सी टू प्लस ई प्लस और क्या होना चाहिए, इसमें एस सिक्स होता है, अभी हमने देखा था। तो क्या ये सब प्रेजेंट है क्या, वो देखते हैं। देखो हाँ भैया, जो मेरी ये सी थ्री एक्सेस है वो यहाँ प्रेजेंट है, ये सी थ्री इसको बॉन्ड को कंटेन करता है और इस सी से पास होती है, ठीक है, इस सी के अंदर को चली जाएगी, इस सी के यहाँ से जा रही है, ठीक है, और इस लाइन को सी सी बॉन्ड को कंटेन करती हुई, और ये समझ लो इस सी सी बॉन्ड को कंटेन करती हुई है, और यहाँ से पास हो जाएगी, सी सी से पास हो जाएगी, ठीक है। ये सी थ्री एक्सेस है, अगर मैं बात करूँ इसमें सी थ्री एक्सेस को दिखाने की, देखो यहाँ सी थ्री होगी, थ्री सिग्मा डी चाहिए और थ्री सी टू चाहिए, और सी टू कहाँ है, सी टू की बात करूँ तो देखो ये इस हाइड्रोजन को देखो और इस हाइड्रोजन को देखो, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके यहां से मॉलिक्यूल के सेंटर से इस हाइड्रोजन के और इस हाइड्रोजन के जो पैरेलल, इस हाइड्रोजन के पैरेलल और इस हाइड्रोजन के पैरेलल एक C2 जा रही होगी, दूसरी C2 की बात करूं मैं, देखो इस हाइड्रोजन को देखो और इस हाइड्रोजन को देखो, इनके मॉलिक्यूल के सेंटर से यहाँ पास करती हुई इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के पैरेलल जा रही होगी एक सी टू, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूँ, देखो इस हाइड्रोजन को देखो और इस हाइड्रोजन को देखो, यहाँ मॉलिक्यूल के सेंटर से पीछे और आगे की तरफ इन दोनों हाइड्रोजन के पैरेलल एक सी टू जा रही होगी, तो तीन सी टू यहाँ प्रेजेंट होंगी। अगर आपको इमेजिन होने में दिक्कत हो रही है तो देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये इस, इसको ऐसे हो जा भाई, तो ऐसे हो जाना यार, देखो यहां से C2 पास हो रही होगी, जो देखो एक बार C2 ऐसे पास हो रही होगी जो इस वाले और इसके पैरेलल होगी, रुक जाओ, एक बार C2 ऐसे पास हो रही होगी, यार ये तो मान नहीं रहा, देखो रुक जाओ यहां सही है, एक बार C2 यहां से पास हो रही होगी जो इसके इसके पैरेलल होगी, इसको मैं दिखाई देता हूँ इसकी सिमेट्री नीचा, हाँ बिल्कुल सही, देखो सो एक्सेस, ये एक्सेस सो करेगा अभी आपको, देखो C3 कहाँ है, देखो इस मॉलिक्यूल के सेंटर से पास हो रही है, आपको दिख रही होगी C3, यार सो एक्सेस ना, ठीक है। C2 कहाँ है, देखो ये रुक जा, ये इसके और इस वाले हाइड्रोजन के पैरेलल C2, बिल्कुल मॉलिक्यूल के सेंटर से, एक इस हाइड्रोजन के और ये वाली C2 इस हाइड्रोजन और इसके अपोजिट हाइड्रोजन के, तो तीनों हाइड्रोजन को कंटेन करते हुए क्या हो रही है C2, तो 3C2 मिल गई जो भी कि परपेंडिकुलर है C3 के, 3 सिग्मा D और चाहिए डाइहेड्रल प्लेन, देखो रुक जाओ रुक जा, इस जो जो भी दो C2 है, जैसे ये C2 है और ये C2 है, इस C2 से कंटेन करते, इन C2 को इक्वली डिवाइड करते हुए जो प्लेन्स होंगे वो सिग्मा डाइहेड्रल प्लेन होंगे, जो दो दो हाइड्रोजन को कंटेन कर रहे होंगे, जैसे देखो कैसे, पेन रुक जाओ मैं दिखाता हूं, रुक जा, देखो ये जो है मेरे तीन प्लेन, देखो P1
पीछे की तीन हाइड्रोजन है, आगे वाली तीन हाइड्रोजन है, कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। देखो अब प्लेन देखो, ये जो ऊपर की हाइड्रोजन है ये, तो ये नीचे वाली हाइड्रोजन है, इन दोनों से के जो प्लेन हो रहा होगा, एक प्लेन ये हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा प्लेन ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली, ठीक है। इन दोनों को करता हुआ प्लेन होगा एक, और एक इन दोनों को करता हुआ प्लेन होगा, पास करता हुआ, कट करता हुआ, जो ऊपर नीचे की, एक हाइड्रोजन ये ऊपर की ली तो वो नीचे वाली को करता हुआ प्लेन है सी टू डायहेड्रल प्लेन। और एक देखो सी टू कहाँ से पास होती थी, यहाँ से सी टू थी, यहाँ से सी टू थी। तो ये तीनों प्लेन, जैसे ये प्लेन है तो ये इन दो सी टू को बाइसेक्ट कर रहा है, इस C2 को और इस C2 को, जो भी दो C2 या दो वर्टिकल प्लेन को बाइसेक्ट करता है प्लेन, उसको डायहेड्रल प्लेन कहते हैं। तो तीनों डायहेड्रल प्लेन भी आपको मिल गए। E तो है इसमें, S6 और देख लेते हैं, क्या इसमें S6 है? डेफिनेटली S6 होगी इसमें, S6 देखो ये इस तरीके से दिखा रहा है, एक्सेस दिखाता हूं। देखो S6 प्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा आपको, इसमें C S6 इमेजिन करानी पड़ेगी। देखो देखो ये 1 2 3 मान लो इसको, ये 4 5 6 मान लो। अगर मैंने S6 प्रेजेंट करनी है, S6 प्रेजेंट कर दी है, ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, ये C6 इंटू सिग्मा परपेंडिकुलर देगा। तो देखो इसमें C6 लगाता हूं, देखो ये कुछ इस तरीके से है, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला ये आ गया, नीचे वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको साफ कर देता हूं। रुक जाओ, S6 समझ लो, इसमें S6 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले इसमें C6 लगाऊंगा, तो ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला रेड है, इसको मैं नीचे वाला, ऊपर वाले को मान लेता हूं इसको। देखो नीचे वाला रेड है, ऊपर वाला ब्लैक है, ऐसे समझो, ऊपर वाला ब्लैक है, नीचे वाला रेड है, ठीक है। तो इन्हीं कलर से यूज करूंगा, जो रेड है नीचे वाला उस पर C6 यहां से लगा रहा हूं, तो पांच वाला जो होगा, ये जो नीचे वाला है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो पांच है वो यहां आ जाएगा, जो चार है वो यहां आ जाएगा, जो छह है वो यहां आ जाएगा, और जबकि ऊपर वाला जो ब्लैक है वो कैसे हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखो ये एक दूसरे की पोजीशन नहीं ले रहे, पर एक दूसरे के प्लेस पर आ रहे हैं। जो ये ब्लैक वाला ऊपर वाला है, 1 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा, 3 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में गैप इमेजिन करना, ठीक है। अब इनको अगर अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पता चल जाता है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 4 और इधर कहीं 6 था, ठीक है। अब देखो यहां से C6 लगाई, ये C3 वाली जगह से ही मैंने C6 लगाई, और इसका परपेंडिकुलर प्लेन बिल्कुल मिड से कट कर दिया, तो C6 लग गई। अब ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है, जब इस पर परपेंडिकुलर प्लेन लगेगा, देखो इस पर परपेंडिकुलर प्लेन यहां लगेगा मानो, ठीक है, तो जो ऊपर वाला होगा वो नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, जो नीचे वाला होगा ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो 6 नीचे वाला मैंने रेड माना था, नीचे वाला क्या माना था मैंने, रेड माना था, ठीक है, तो ये ऊपर वाला ब्लैक माना था, तो जो ऊपर वाला होगा वो नीचे रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ऊपर वाला कहां चला जाएगा, नीचे, ये 1 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर, 3 नीचे, और जो ये ऊपर वाले थे वो नीचे वाले थे वो ऊपर आ जाएंगे, यानी 6 यहां आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर, मतलब देखो ये जो रेड यहां नीचे था यहां ऊपर हो गया, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हो गया, रेड ऊपर ये नीचे था, जो रेड नीचे था वो रेड ऊपर हो गया, जो ब्लैक ऊपर था वो ब्लैक नीचे हो गया, और ये इसमें हमारा क्या बनेगा, S6 को शो करेगा, किसको शो करेगा, S6 को शो करेगा, ठीक है। ये स्टैगर्ड इथेन हो गया, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, D3D, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इथेन की बात करूं, जो इक्लिप्स्ड हो, इक्लिप्स इथेन का D3H पॉइंट ग्रुप होता है, कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, D3H, देखो शो हो जाएगा, D3H पॉइंट ग्रुप होता है इसका। मैं देखो सभी सिमेट्री एलिमेंट्स शो कर देता हूं, कंट्रोल सॉल सिमेट्री एलिमेंट्स, देखो
तो डी थ्री एच में क्या होगा, जो भी है हमारा एस थ्री, ठीक है, सी टू परपेंडिकुलर एस थ्री के, सब डी थ्री एच, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक प्लेन ये भी है जो रेड वाला प्लेन दिखा रखा है ना, वो सिग्मा एच है, ये जो है ये सिग्मा एच है, ठीक है, इसका सिग्मा एच है, ये जो रेड वाला दिखा रखा है सर्किल, ये देखो घूमता हुआ देख लो इसको, जरा थोड़ा सा देख लो पता चल जाएगा आपको, देखो सिग्मा एच दिखाता हूँ, जो जो रेड वाला ये जो है इसके रेस्पेक्ट में सिग्मा वी, ये रे जो तीनों ब्लू वाले सिग्मा वी, रेड वाला सिग्मा एच, ठीक है, और जो जहां जहां से भाई मेरे सिग्मा वी होंगे वहां वहां से सी टू भी पास हो रही होगी, इसका डी थ्री एच होता है, ठीक है, इसको छोड़ो अपन चलते हैं अपने वहीं, समझते हैं अपने नोट्स में कहां थे हम, ठीक है, तो डी थ्री डी हो गया स्टैगर्ड इथेन का, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नाइन्थ पॉइंट ग्रुप की बदलते हैं जिसका नाम है सी एन, मतलब ऐसा पॉइंट ग्रुप जिसमें सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे कोई भी सी जिसमें सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं, एन होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक तो सी एन ही प्रेजेंट होता है और दूसरा ई प्रेजेंट होता है, बस और कुछ प्रेजेंट नहीं होता इसमें, नंबर ऑफ ऑपरेशन काउंट करेंगे एन माइनस वन यहां से आ जाएगा, वन यहां से आ जाएगा, तो कितने बन जाएंगे एन, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन एन होते हैं सी एन पॉइंट ग्रुप में, ठीक है, तो ये भी जनरली कम सिमेट्री होती है पर एन, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, किस तरीके से होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर H2O2 का, O O, ठीक है, और देखो इसमें H इधर की तरफ और इसमें H ये पीछे की तरफ, ठीक है, ये होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, इसको बोलते हैं ओपन बुक, एक होता है ट्रांस H2O2, ट्रांस H2O2, ये कैसा होता है O O H H, ये लेकिन एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है, ये किस में होते हैं, एक ही प्लेन में पड़े होते हैं, ठीक है, ये प्लेनर होता है पर, और एक होता है सिस H2O2, इसमें क्या होता है O O H इधर की तरफ, H इधर की तरफ, ये होता है, ये तीन H2O2 की फॉर्म होती है, जो ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ C2 प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है C2, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है C2, यानी सिर्फ CN पॉइंट ग्रुप होता है इसका, यानी इसमें सिर्फ क्या क्या प्रेजेंट होगी C2 प्लस E, जो ट्रांस H2O2 होता है इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो C2H होता है, क्या होता है C2H, N2F2 की तरह, और सिस H2OH2 का C2V पॉइंट ग्रुप होता है, वाटर की तरह होता है, ठीक है, C2V, ये निकाल के देख लेंगे, इनका अभी निकालने से कहूंगा, पॉइंट ग्रुप के बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है, तो जो ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इसमें C2 प्लस E होती है सिर्फ, C2 कैसे होती है, देखो ये H है मेरा आगे की तरफ, ये H है पीछे की तरफ, इससे C2 लगा दो, ये H पीछे की तरफ आ जाएगा, ये H इस पे C2 लगेगी 180 डिग्री, तो O O ये वाला H1, ये H2, तो ये H2 जो होगा यहाँ आ जाएगा और ये H1 मेरा पीछे की तरफ चला जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी क्या होगी 180 डिग्री के रोटेशन के बाद, तो ये होता है मेरा CN पॉइंट ग्रुप, ये भी लोअर सिमेट्री का पॉइंट ग्रुप होता है पर जनरली इसको बोलते नहीं है, ठीक है, ये भी CN को भी मान सकते हैं, ठीक है, आओ नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप इज मेरा S टू एन पॉइंट ग्रुप, एस एन वाला आ गया, ठीक है, इसमें कितने कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं, इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं 2n, कितने होते हैं 2n नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, देखो सबसे पहले तो इसमें एस टू एन प्रेजेंट होता है प्लस इसमें सी एन प्रेजेंट होती है प्लस इसमें ई प्रेजेंट होता है, तो टू एन ऑपरेशन बन रहे क्या, टू एन कुछ भी हो इवन बन जाएगा, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ ऑपरेशन एन हो जाएंगे, यहां से एन माइनस वन ऑपरेशन हो जाएंगे, यहां से वन ऑपरेशन हो जाएगा, तो यहां से मेरे को टू एन ऑपरेशन मिल जाएंगे क्योंकि एस टू एन हमेशा इवन होगा, चाहे एस टू इंटू थ्री देख लो वो भी तो इवन बन जाएगा, एस सिक्स और इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन थ्री हो जाएंगे, याद रखेंगे हमेशा दो से मल्टीप्लाई कर दी किसी भी नंबर को वो इवन ही होगा, चाहे एन की वैल्यू इवन ले लो या ओड ले लो, ठीक है, तो टू एन ऑपरेशन हो गए, देखो एस टू एन जो पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या क्या मौजूद होगा, एस टू एन प्लस सी एन प्लस ई मौजूद होगा, देखो एक चीज और याद रखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स होती है मेरी एस की, अगर एस एन हो, अगर मेरा एन ओड है सिर्फ एस एन हो तो इसके अंदर सी एन प्रेजेंट होगी, और एन अगर मेरा इवन है तो इसके अंदर सी एन वाई टू प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं,
इसके अंदर CN, ये CN by 2 present होता है। तो यहाँ S2N है, तो 2N एक even की तरह काम करेगा ना, 2N तो even बन जाएगा, तो हमेशा 2N तो even हो ही जाएगा, क्योंकि N even ले लो, यहाँ 2N even ही बन जाएगा, चाहे N odd भी हो क्यों ना हो, तो उसके अंदर हमेशा S2N है, और 2N मेरा even है, तो इसके अंदर क्या present होगा, 2N by 2, यानी C2N by 2, इसके अंदर present होगा C2N by 2, यानी C N प्रेजेंट होगी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, CN, वही, और E तो सब में प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया मेरा S2N पॉइंट ग्रुप। क्या इसका कोई एग्जांपल है, मैंने कहा बिल्कुल है इसका एग्जांपल, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल एग्जांपल होगा इसका, इसका एग्जांपल होगा एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है BOH का होल 4 माइनस, ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल होते हैं, सब बुक में यही मिलते हैं और जनरली पूछे भी यही जाते हैं, ठीक है, होल 4 माइनस। बुक की बात करूं भाई, मैं स्वर्ण लक्ष्मी बुक आती है, ठीक है, ग्रुप थ्योरी की, और कॉटन, बीडी कॉटन, ठीक है, दो बुक फॉलो कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, स्वर्ण लक्ष्मी और कॉटन आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, बी ओ एच, ठीक है, बी 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 सॉरी बी कहाँ से लिख रहा हूँ, ओ ओ ओ, ठीक है, और ये एच, नीचे की तरफ डॉट 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 एच डॉट 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 एच, इसको होता है बी ओ एच फोर माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो इसके अंदर जो पॉइंट ग्रुप होता है, तो S2N वाला फॉर्म पॉइंट ग्रुप होता है, तो इसका जनरली जो पॉइंट ग्रुप होता है वो S4 होता है, तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, तो S4 को 4 इज इक्वल टू 2N, यानी N की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए S4 पॉइंट ग्रुप में, एक खुद S4 प्रेजेंट होगी, C2 प्रेजेंट होगा, प्लस E, यानी इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आने चाहिए, 2N इक्वल्स टू 4, तो 2N ऑपरेशन होने चाहिए, यानी 2 × 2, यानी 4 ऑपरेशन ही होने चाहिए, तो इसके ऑपरेशन 2 आएंगे, इसका 1 आएगा और इसका 1 आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है। तो इसमें कि देखो क्या ये सब प्रेजेंट है, क्या C2 प्रेजेंट है क्या इसमें, बिल्कुल है, देखो यहाँ से पास होती है, C2 प्रेजेंट है, ये OH इधर चले जाएंगे तो ये वाले बन जाएंगे, और ये इधर आ जाएंगे तो ये आ जाएंगे, जैसे अभी मैंने समझाया था उसमें कि ये नीचे है तो ये उधर, अगर ऐसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो नीचे वाला ऊपर सो होगा और ऊपर वाला उधर नीचे की तरफ सो होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए 3D में, ठीक है। बाकी C2 मिल गई है, ये C2 है, तो इसमें S4 E तो है ही, S4 है क्या इसमें, S4 तो होगी होगी भाई, देखो C4 लगा लो इसमें, इस तरीके से लगा लो, किस तरीके से लगाते हैं C4, मैं दिखाता हूँ आपको, C4 लगाना इसमें, कहीं से भी लगा लो, कोई मतलब नहीं है, देखो देखो अगर मैंने यहाँ इसको चेंज करता हूँ कलर, यहाँ से परपेंडिकुलरली C4 लगाई, तो देखो ये वाला OH ये पोजीशन ले लेगा, ये हर एक OH आगे आगे बढ़ जाएगा, तो ये नीचे वाला इधर नीचे सोएगा, कुछ इस तरीके से सोएगा, बीच में B है, यहाँ O नीचे की तरफ H, ये B ऊपर की तरफ OH, सॉरी O ऊपर की तरफ H, ये O ऊपर की तरफ H, और ये O नीचे की तरफ H, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसमें देखो मैंने C4 ऐसे लगाई थी, इसके परपेंडिकुलर मुझे क्या लगाना है, प्लेन लगाना है, परपेंडिकुलर प्लेन लगाना है, देखो परपेंडिकुलर प्लेन कैसे लगाना है, ये इस C4 के परपेंडिकुलर प्लेन लगा दो, इस मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता होगा, तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, B तो यहीं रहेगा, O सारे अपनी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, O सारे अपनी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, जो O नीचे की तरफ था वो ऊपर की तरफ वाले सो होने लगेंगे, H जो नीचे की तरफ वाले H थे वो ऊपर वाली तरफ सो होने लगेंगे H,
और जो ऊपर की तरफ थे वो नीचे की तरफ शो होने लगेंगे। आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर है, मॉलिक्यूल के उसमें प्लेन लगाया है, मॉलिक्यूल के प्लेन में प्लेन लगाया है, तो एच जो नीचे की तरफ था वो ऊपर की तरफ होने लगेगा, जो ऊपर की तरफ थे वो नीचे चले जाएंगे। तो देखो भैया ये क्या बन गया, इसमें एस फोर भी मिल गई हमें, सी टू भी मिल गई, ई भी मिल गई, ये हमारा एस फोर यानी एस टू एन टाइप ग्रुप। इसको टू एन से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि जिससे हम एन को इवन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे इसको हमेशा एस थ्री नहीं होगा कोई भी पॉइंट ग्रुप, ठीक है, एस फोर होगा, एस सिक्स होगा, ठीक है, S3 क्यों नहीं होगा, ये 2n की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, S5 नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए यहां S2n का लॉजिक ये है। आई बात समझ में। लास्ट टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप पे चल लेते हैं, लास्ट क्लास पे जो हमारा है दैट इज Dn टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप। Dn टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप में हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं, 2n नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ ऑपरेशन याद करना और उसके अंदर क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, इसमें सी एन हो सकता है, एन सी टू हो सकते हैं, E पॉसिबल हो सकता है, बस ये। देखो एक चीज आपने ध्यान दी कि जितने भी D टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप हैं उनमें सब में N C2 परपेंडिकुलर होती है CN के, ठीक है। अभी जब मैं क्लासिफिकेशन ग्रुप पॉइंट ग्रुप निकालना सिखाऊंगा तो तब ये सब चीजें सिखा दूंगा, ठीक है। तो इसमें 2N पॉइंट ग्रुप होंगे, यहां से कितने पॉइंट N-1 आएगा, यहां से N आएंगे और यहां से 1 आएगा, तो यहां से टोटल पॉइंट ग्रुप कितने ऑपरेशन कितने आ जाएंगे 2N, हाँ बस यही होंगे। जैसे इसका एग्जांपल होते हैं मेटल के ए ए टाइप 3 के N प्लस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो सिमेट्रिक, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, सिमेट्रिक नॉट एसिमेट्रिक वाले नहीं, सिमेट्रिक ए लिखा नॉट ए बी लिखा, मैंने ए बी नहीं लिखा यहाँ, ए बी का होल 3 N प्लस नहीं लिखा, ये वाले नहीं, सिर्फ ये वाले, लाइक जैसे क्रोमियम ई एन का होल थ्राइस 2 प्लस, क्रोमियम ऑक्सिलेट का होल थ्राइस ऑक्सिलेट 4 माइनस, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, इन सब का पॉइंट ग्रुप होता है डी एन टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप। जैसे इसको देख लो कि भाई मेटल है ए ए ए ए ए, ये नीचे की तरफ है, तो ये ए, ये दोनों ये एक प्लेन में होंगे, ठीक है, ये मिल गया एक से, ये एक से मिल गया, एक से मिल गया, इस टाइप के पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं मेरे, जो होते हैं इसमें देखो सी एन होती है, यानी इसका पॉइंट ग्रुप बेसिकली क्या होगा मेरा डी थ्री पॉइंट ग्रुप होता है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा डी थ्री पॉइंट ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सी थ्री होगी प्लस थ्री सी टू होंगी प्लस एक ये होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑपरेशन 6 होंगे, यानी यहाँ से 2 मिल जाएंगे, यहाँ से मुझे 3 मिल जाएंगे और यहाँ से, ठीक है, देख लेना। जैसे इसका देख सकते हैं कहीं भी कि इसमें C2 कहाँ कहाँ से होंगी आपको पता चलना चाहिए, C3 कहाँ कहाँ से होंगी पता चलना चाहिए। जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से देख लो ब्राउजर में मेरे पास थी ना, सिमेट्री में चलो Dn पॉइंट ग्रुप चल लो, खुल जा भाई सिम जल्दी से खुल जा, मैं दिखा देता हूँ क्योंकि उसका बना के इमेजिन कराने से अच्छा है। ये रहा देखो सी ओ ई एन आर यू ई एन का होल थ्राइस, ट्विस्टेड फेरोसिन का, फेरोसिन का भी ट्विस्टेड का डी फाइव होता है, ठीक है, ये सब समझाऊंगा। फेरोसिन स्टैगर्ड होगी तो डी फाइव डी, और इक्लिप्स होती है तो डी फाइव एच, ये भी सब समझा दूंगा। देखो ये रहा इस टाइप का मॉलिक्यूल होता है, देखो सी थ्री कहाँ से होगी, बिल्कुल मॉलिक्यूल के सेंटर से घुमा देंगे सी थ्री हो जाएगी। सी टू कहाँ से होगी, कोई भी दो के बीच से लेती हुई सी टू, ये रही तीन सी टू, ठीक है, और मिरर प्लेन ही इस तरीके से, देखो जैसे दिखाता हूँ मैं, एक साथ शो कर देगा। देखो C3 देखो कहां से जा रही है, मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, जैसे यहां दिखाया गया था, ये रही इसको क्लोज करो, ठीक है, ये रही मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है C3, ये देखना, ये रही ये रेड वाले जो C3 है, ठीक है,
ठीक है, सी टू क्या और क्या चाहिए इसमें, एन सी टू, इसके परपेंडिकुलर तीन सी टू हैं, देखो ये इस वाले मॉलिक्यूल से पास हो रही है, ठीक है, ये जो हमारे जो बॉन्ड होगा ना, इस वाला बॉन्ड, ये वाला, इससे पास होने वाली सी टू, इससे पास होने वाली सी टू, और इससे भी पास होने वाली क्या होगी, तीन सी टू होंगी, ठीक है, और एक ई होगा, बस यही था इसका डी थ्री डी का, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं स्पेशल, ठीक है, अपना वहीं चलते हैं। तो ये जो हमारा मेरे बेसिकली हो गया, ये हो गया मेरा डी थ्री डी एन पॉइंट ग्रुप का। तो अभी तक ऑलमोस्ट हमने ये एक क्लास ऑफ पॉइंट ग्रुप पढ़ लिया, ठीक है, लास्ट जो पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, वो मेरे पॉइंट ग्रुप हैं क्यूबिक सिमेट्री, ये पॉइंट ग्रुप ऑफ हायर सिमेट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर या हायर सिमेट्री या हायर ऑर्डर के पॉइंट ग्रुप, जिसमें बी हायर ऑर्डर के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होती है हमारे पास क्यूबिक सिमेट्री और दूसरी होती है मेरे पास आइकोसाहेड्रॉन सिमेट्री, ठीक है। जो क्यूबिक सिमेट्री होती है इसके पांच पॉइंट ग्रुप होते हैं जनरली, और इसके दो पॉइंट ग्रुप होंगे आइकोसाहेड्रॉन के। क्यूबिक सिमेट्री में मेरे पास दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक होती है टेट्राहेड्रॉन, दूसरी होती है ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। जो टेट्राहेड्रन है इसमें बेसिकली मेनली तो टी एच एक ही पॉइंट ग्रुप होता है, जिसको हम टेट्राहेड्रल बोल देते हैं, सॉरी टी डी, जिसको हमने मेनली टेट्राहेड्रल बोला है, पर इसमें एक टी एच भी होता है स्पेशल केस, और एक होता है टी पॉइंट ग्रुप। ऑक्टाहेड्रल में ओ एच होता है और एक होता है ओ पॉइंट ग्रुप, ठीक है। और इसमें आइकोसाहेड्रन में दो पॉइंट ग्रुप होते हैं, जिनको हम आई एच या वाई एच से डिनोट कर सकते हैं, और दूसरा होता है आई, या जिसको हम सिर्फ वाई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हायर सिमेट्री ऑर्डर का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं टी डी में, इसमें 24 सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं, टी एच में 25 होते हैं, सॉरी इसमें 25 होते हैं, इसमें 25 होते हैं, ठीक है, इसमें 12 होते हैं, इसमें 48 होते हैं, इसमें 24 होते हैं, इसमें 120 होते हैं, इसमें 60 होते हैं, ठीक है। देखो इनके बारे में ज़्यादा जानना जरूरी है नहीं, वैसे बस इनके नंबर ऑफ ऑपरेशन याद होने के, कि टेट्राहेड्रल में 24 होते हैं, टी एच में 25 होते हैं, टी देखो ऑक्टाहेड्रल में 48 और ओ में कितने होते हैं 24, इसी तरह आई एच या वाई एच में 120 और इसमें आई में 60, देखो ये इसके क्लास ऑफ पॉइंट ग्रुप होते हैं। अच्छा इनमें चेंज क्या आ रहा है, कहीं कहीं सिर्फ ये लिखा होता है कि जो हमारे पास जो हायर ऑर्डर के पॉइंट ग्रुप होते हैं, हायर ऑर्डर वाले, इसमें कहीं कहीं सिर्फ तीन में डिनोट कर रखा होता है उनको, क्या, एक तो क्यूबिक सिमेट्री वाले और एक को आइकोसाहेड्रॉन वाले, आइकोसाहेड्रॉन वाले, ठीक है। इसमें आई वाले पॉइंट ग्रुप दिख देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं टेट्राहेड्रल और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये लिख देते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें 24 और इसमें 48 और इसमें इसके दो निकाल देते हैं आई एच और आई, तो इसमें 120 और 60, बस ये होते हैं, ठीक है, इसके बाकी ज़्यादा नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखो कि ये टेट्राहेड्रल को ही आगे रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर टेट्राहेड्रल में 24 ऑपरेशन है, बाय चांस इसमें इसका हायर फ्लक्जोनियल बिहेवियर आ गया और ये बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा है, तो इसमें एक सेंटर ऑफ इन्वर्जन की तरह हमें आइडेंटिटी लगने लगती है, तो इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन ऐड होकर 25 ऑपरेशन बन जाते हैं, इस पॉइंट ग्रुप को टी एच टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप देते थे इन, सिर्फ लगता है मुझे एस टू, पर होता नहीं है, कभी टेट्राहेड्रल में आई नहीं होता, याद रखना, ठीक है। और एक पॉइंट ग्रुप होता है टी, उसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ टेट्राहेड्रल की रोटेशन सिमेट्री रख लो, सिर्फ रोटेशन सिमेट्री, ओनली रोटेशन ऑपरेशन ऑफ टी डी,
तो मेरा वो बन जाता है टी पॉइंट ग्रुप, और इसके जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ऑक्टाहेड्रल और ओ है, इसमें 48 ऑपरेशन होते हैं। अगर सिर्फ ओनली रोटेशन ऑपरेशन लिया मुझे मैंने किसका सिर्फ ओ एच के, तो वो मेरा क्या बन जाता है ओ पॉइंट ग्रुप, और इसमें 24। सिमिलरली आई एच के सिर्फ अगर ओनली रोटेशन ले तो मेरा कौन सा पॉइंट ग्रुप बन जाता है आई, इसमें 60 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 120, ठीक है। देख लो, आओ बात करते हैं। देखो जैसे टेट्राहेड्रल में देख लो कि क्या क्या हो, टेट्राहेड्रल आपको पता है सी एच फोर होता है, सी एच 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 एच, आपको पता है इसमें क्या क्या ऑपरेशन मौजूद होते हैं टेट्राहेड्रल में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसमें जो अब 4C3, ठीक है, हर H और C से पास होती हुई, इसके सेंटर से C से और H से पास होती हुई क्या होगी, एक तो हमारे पास C3 प्रेजेंट होगी, सॉरी ये कहां से आ गया, 4C3 प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर इसमें C2 प्रेजेंट होती है, कितनी, इस C, देखो इस CH2 के मॉलिक्यूल को इस तरह से भी लिख लेते हैं, H H, ठीक है, H H, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इनके बिल्कुल सेंटर से एक C2 पास करती है, जो H H हैं रिप्लेस हो जाते हैं C2, ठीक है। इस तरीके से इसमें C2 भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल के अगर मैं ऑपरेशन लिखना चाहूँ तो टेट्राहेड्रल के ऑपरेशन मेरे पास कौन कौन से हो जाएंगे, 4C3, 3C2, ठीक है, 3S4 होंगे इसमें, और 6σD plane होंगे। देखो और एक तो ये होगा, अब देखो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन देखो इनके कितने हो जाएंगे, इसमें C3 में 2 ऑपरेशन, एक में 4 में कितने हो गए 8, C2 में 1 में 1 3, S4 में 2 ऑपरेशन, 1 में 3, 2 × 3 = 6, इसके 6 और इसका 1, तो यहाँ कितने बन गए 6, 6 = 12, 15, 16 + 8 = 24, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए, सॉरी 24, ठीक है। और इसके सिर्फ रोटेशन वाले ले लो तो वो टी पॉइंट ग्रुप बन जाएगा, सिर्फ रोटेशन वाले कौन कौन से, ये S4 को नहीं लेंगे क्योंकि इसका ऑपरेशन रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन है, ठीक है, C2 3S4 थी इसका 6, ठीक है। तो सिर्फ रोटेशन वाले लेने 8 और प्लस, मतलब क्या क्या, सिर्फ 4C3 प्लस 3C2, 8 × 3 = 11, और ये एक ही होगा, ये तो हर एक को ऑपरेशन में काउंट होता है, तो 12, ठीक है। तो मैंने बताया था टी के 12 होते हैं, इसमें एक और आई और जोड़ देंगे तो आई का ऐड हो जाएगा 25, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल के ऑपरेशन की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में जो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे वो कौन कौन से होंगे, 3C4, ठीक है, प्लस 6C2 प्लस 4C3 प्लस 4S6 प्लस, और क्या होगा, 3S4 प्लस, इसमें सिग्मा एच भी होते हैं, 3 σH टाइप होते हैं, कि वो अगर मैं इन C4 को एक को प्रिंसिपल एक्सिस करूं, कंसीडर करूं, तो उसके कोरेस्पोंडिंग मुझे 1 σH मिलेगा। तो अगर तीनों को एक एक बार प्रिंसिपल एक्सिस कंटेन करूं तो 3 σH मिलेगा। मैंने एक बात बताई थी कि एक मॉलिक्यूल में 1 σH होता है, कभी बोलोगे कि सर यहां आपके 3 σH क्यों लिखे, क्योंकि वो हर बार एक C4 को कंसीडर करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसके कोरेस्पोंडिंग 1 σH मुझे मिलेगा, ठीक है। प्लस आई प्लस ई प्लस सिग्मा डी, कितने सिग्मा डी, मेरे 6 σD, ठीक है। तो देखो इसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन आएंगे, यहां से देखो मैंने अलग अलग इस वे में क्यों लिखे मैं बताऊंगा अभी, ये देखो 3 × 9 प्लस यहां से 6 = 15, यहां से 3 × 2 = 8, ठीक है, इसमें कितने हो गए 8, ठीक है। यहाँ S6 है, एक S6 में कितने 3 ऑपरेशन 4 × 12 ऑपरेशन, S4 S6 3S6 कैसे कर दिया मैंने 3S4 होती है भैया 3S4 होता है, ठीक है।
दो तिया छः प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस वन प्लस वन प्लस सिक्स, तो देखो कितने हो गए हैं, नौ नाइन सिक्स फिफ्टीन और फिफ्टीन और एट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव और सिक्स थर्टी फाइव और सिक्स जल्दी जोड़ो फोर्टी वन फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स और सिक्स फिफ्टी टू। अब आप बोलोगे सर आपने तो मुझे बताया था कि ऑक्टाहेड्रल में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 48 होते हैं। मैंने कहा भैया मैंने बताया था और ये 48 ही होते हैं। देखो कैसे, पेन चेंज कर लेंगे। देखो यहाँ एस सिक्स प्रेजेंट है, चार एस सिक्स प्रेजेंट है। मैंने बताया था एक एक्स सिक्स एक आई इन्वर्जन सेंटर कंटेन कर रही है, ऐसी चार एस सिक्स चार आई को कंटेन कर रही होंगी, पर चार आई का मतलब कुछ बनता नहीं है, एक आई ऑलरेडी ऐड कर दिया है मैंने, तो ये चार आई मुझे घटना चाहिए, इन चार आई के ऑपरेशन जो जोड़े हैं वो घटने चाहिए, वो मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं फोर ऑपरेशन ऑफ फोर आई, तो ये कितने आ जाएंगे 48 ऑपरेशन, क्योंकि मैंने चार बार ये एक्स्ट्रा आई को ऐड कर लिया था बार बार सेम ही आई को, ठीक है। तो ये 48 ऑपरेशन। अगर इसमें ओ वाला पॉइंट ग्रुप देंगे उसमें उसमें कितने 24 आएंगे, क्योंकि सिर्फ नौ जिससे मैं रेड, रुक जाओ मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसका मैं पेन चेंज करता हूँ। 24 ऑपरेशन कौन कौन से जिससे मैं गोला कर रहा हूँ, 9 6 15 और 8 23 और एक मेरा ये 24, ठीक है। सिर्फ ये ऑपरेशन, ये 24 ऑपरेशन मिलेंगे मुझे किसमें, मेरे ओ पॉइंट ग्रुप में, ठीक है। आइकोसाहेड्रन की हम बात नहीं करते, उसमें ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा सिमेट्री होती है, उसका एग्जांपल बता, इनके ऑक्टाहेड्रल वगैरह के एग्जांपल बताने हैं क्या भाई, ऑक्टाहेड्रल का कोई भी ले लो SF6, ठीक है, टेट्राहेड्रल का CH4, ठीक है, आइकोसाहेड्रन के आई का फ्लोरीन होता है, और आइकोसाहेड्रन की जो आइकोसाहेड्रन ज्योमेट्री होती है ना, जो इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम, ठीक है, वो जनरली, ठीक है। तो मेरा एक पार्ट तो यहां खत्म होता है कि मैं किस तरीके से पॉइंट ग्रुप को अपने समझाता हूं।